स्पेशल कन्वोकेशन जम्मू विश्वविद्यालय करा रहा है कल 22 जून को, जिसमें ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी द चीफ गेस्ट एंड द कन्वोकेशन वुड बी प्रिसाइडेड by our honorable lieutenant governor who is the chancellor of the University of Jammu. This is a special convocation in which the medals, gold medals for the students of 2016, 2017, 2018 and 2019, तो ये गोल्ड मेडल्स उन बच्चों को दिए जाएंगे और पीएचडी जो अवार्ड है वो 2017, 2018, 2019 ये 3 साल का, अभी भी 2020 और 2021 का हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा हो जा रही थी। यह कन्वोकेशन कुल मिलाकर के मुझे लगता है 4 घंटे का कार्यक्रम होगा, तो इससे ज़्यादा संभव नहीं था और इसलिए एक और स्पेशल कन्वोकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी कराएगा, फिर एक रेगुलर कन्वोकेशन कराएगा 2022-23 के लिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स 2005 हैं, अरे सॉरी 265 पीएचडी स्टूडेंट्स एंड मेडल्स कितने हैं 211 गोल्ड मेडल्स हैं। मुझे लग रहा है कि विश्वविद्यालय का कन्वोकेशन का यह कार्यक्रम रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। किन्हीं कारणों से यह नहीं हो पाया, प्रयास होगा कि विश्वविद्यालय रेगुलर बेसिस पर यह कन्वोकेशन करे। लेकिन मैं जो आपसे आज बातचीत करना चाहता था और वो था, कन्वोकेशन तो एक माध्यम था लेकिन आपके ध्यान में लाने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम in the University of Jammu, a center for skill innovation, incubation and entrepreneurship development that is established to promote the skills incubation, innovation and entrepreneurship. The research fund that has been created and that has already been distributed among the faculty. For the first time the university has introduced a transdisciplinary research scheme. So the idea is that the mentors from different streams, they would join their hand together, right, to address the challenge of the society. तो एक प्रोजेक्ट जिसमें कि ट्रांसडिसिप्लिनरी मोड में सोसाइटल चैलेंज जम्मू रीजन का, उसको हम कैसे एड्रेस करें इसके लिए है। इन लाइन ऑफ NEP 2020 द यूनिवर्सिटी हैज अप्रूव्ड द पॉलिसी ऑफ inclusion of credits, so credits would be given to the students participating in NCC, NSS, sports and other cultural activities. There is a paradigm shift in our policy of appointing visiting faculty. I have shared with you in earlier also that a person who is having the experiential learning in particular field may not be having any degree, may be appointed as a visiting faculty based on experiential learning in the University of Jammu. So a farmer, an engineer, retired engineer, bureaucrat, army personnel, so they can be, or a person from the civil society or a person from the Patrakarita may be appointed as a visiting faculty in the University of Jammu. When I am saying a person from Patrakarita may not be having the formal degree in the journalism, doesn't matter, but the person is having the experiences in that particular field. So that I am saying the university has taken initiatives in sync with the Honorable Prime Minister call, lab to land and land to lab. So our research should not be restricted to the lab, it should be applicable in the field also, इसको ध्यान में रख करके है। वी हैव क्रिएटेड द गांधीयन सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, और एक एडवर्टीजमेंट उसका आ चुका है कि अगर गांधी आज जिंदा होते और स्मार्ट आश्रम की परिकल्पना करते तो स्मार्ट आश्रम कैसा होता। और उस पर हम काम कर रहे हैं। तो गांधी के विचारों को लेकर के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस के माध्यम से हम कैसे अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे सकें, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन डोगरी ये हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और डायरेक्टरेट ऑफ हिंदी ये ऑलरेडी इसकी पोस्ट आ चुकी है डायरेक्टर की। अभी प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव जी मेरे साथ गए थे, हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल ऑफ आर्मी, इनके साथ एक एमओयू हुआ है। उनकी जो फैकल्टी हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, और हमारे स्टूडेंट्स को वो ट्रेनिंग देंगे डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो एक हमारा एमओयू हुआ है। एंड आई थिंक ये भी एमओयू एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो उनके ऑफिसर्स हैं या जवान हैं वो फील्ड में जो काम कर रहे हैं उस एक्सपीरियंशियल लर्निंग को क्रेडिट में हम कैसे कन्वर्ट करें। तो सपोज करिए कि अगर उनको पीजी का कोर्स करना है, पोस्ट ग्रेजुएट, और वो 98 क्रेडिट का कोर्स होता है टोटल 2 साल का, तो 98 क्रेडिट का कोर्स है और 48 क्रेडिट्स उनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के आधार पर हमने कन्वर्ट किया, और सिर्फ 50 क्रेडिट्स जो बचा है उसके लिए इनको इनरोल होना है। अभी इसरो के साथ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और आईआईटी बॉम्बे, इसके साथ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे प्रोफेसर कवि आर्या हैज़ एग्रीड कि ई यंत्र लैब खोलने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी में। ई यंत्र लैब क्या है? रोबोटिक्स की ट्रेनिंग देने का। तो हम जो स्किल्स इनोवेशन सेंटर है उसके तहत एक ई यंत्र लैब रोबोटिक्स की ट्रेनिंग देने के लिए खोलने जा रहे हैं। आईआईसी बंगलोर और इसरो ये भी तैयार हो गए हैं हमारे फैकल्टी को ट्रेनिंग देने के लिए, और हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को भी मेंटरिंग करने के लिए। नॉन कॉलेजिएट वीमेन एजुकेशन बोर्ड ये इस्टेब्लिश हो गया, और इसका पर्पज है जस्ट टू एम्पावर दी वर्किंग गर्ल्स एंड वीमेन, जो काम कर रही हैं उनको रेगुलर स्टूडेंट के रूप में हम अपॉर्चुनिटी देंगे। ये क्लासेस सैटरडे और संडे को चलेंगी, इसलिए है न केवल वो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, इस सब का भी ध्यान रखा जाएगा। आप परिचित हैं, यूनिवर्सिटी ने 12 क्लब्स बनाए, और उन क्लब्स के माध्यम से हम अपनी जो धरोहर है, संस्कृति है, उसको मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। पहली बार एनसीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जम्मू यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किया गया है। माई यूथ माई प्राइड, और हर दिन खेल सबके लिए खेल, जो हमारे ऑनरेबल चांसलर साहब का विजन है, इसको ध्यान में रख करके हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल जो डिपार्टमेंट है काफ़ी मजबूती से काम कर रहा है। एंड आई एम हैप्पी टू जस्ट मेंशन दैट एन नंबर ऑफ प्राइजेज लॉरियल्स दैट हैव बीन ब्रॉट अंडर द लीडरशिप ऑफ इकबाल दाऊदजी टू न्यू इनिशिएटिव्स, और आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। एक है डिजाइन योर डिग्री 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, सो डिजाइन योर डिग्री, ये एक इसी जुलाई से हम लॉन्च करने जा रहे हैं। और दूसरा कॉलेज ऑन व्हील्स, पूरी की पूरी ट्रेन, जिसका नाम होगा जम्मू कश्मीर ज्ञानोदय एक्सप्रेस, और जो पहली ट्रेन यात्रा होगी उसमें केवल बच्चियां होंगी, 1100 के आसपास बच्चियां होंगी। वो प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे जिन जिन एरिया से ट्रेन जा रही है, अहमदाबाद, बॉम्बे, गोवा, बंगलोर, वर्धा, तो उन जगहों की समस्याएं क्या हैं या उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट वो करेंगे। 10 बच्चे, एक मेंटोर, उनको लैपटॉप दिया जाएगा, 2 ट्रेन की 2 बोगियां लाइब्रेरी में कन्वर्ट होंगी, 1 बोगी को यंत्रा लैब जो रोबोटिक्स की ट्रेनिंग देने के लिए होगा। तो सिर्फ वो ऐसे घूमने के लिए नहीं जा रही हैं, वो पूरी की पूरी कॉलेज ऑन व्हील्स, मतलब ट्रेन चल रही है और साथ में उनकी शिक्षा भी चल रही है, वो शिक्षा जो सीधे सीधे समाज और राष्ट्र से जुड़ी हुई है। इन्हीं चीज़ों को गुफ्तगू करने के लिए मैं आज आप लोगों को आमंत्रित किया था।